हेलो गाइस, मैं शौर्य सत्यार आज डॉक्टर बी की स्टोरी लेके आया हूँ। डॉक्टर बी टेकन सीरीज में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इनकी स्टोरी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो डॉक्टर बी का पूरा नाम होता है डॉक्टर बोस्कोनोविक्स। डॉक्टर बी न्यूयॉर्क में रहते हैं और वो न्यूयॉर्क के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट होते हैं, और योशीमित्सु उनका फ्रेंड होता है और वो उनकी हर बात मानता है। डॉक्टर बी उस वक्त बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, और उनमें उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट होता है कि वो किसी भी डीमन या किसी भी लिविंग बींग की पावर इंटू 5 टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। बट काजुया मिशिमा को ये बात पता चल जाती है और वो डॉक्टर बी को किडनैप कर लेता है ताकि डॉक्टर बी उनकी पावर भी बढ़ा पाए। योशीमित्सु को ये बात पता चल जाती है और वो डॉक्टर बी को बिना टाइम वेस्ट किए छुड़ाने चला जाता है। फिर डॉक्टर बी योशीमित्सु को ये बताते हैं कि वो सिर्फ कुछ ही दिन जिंदा रहने वाले हैं और वो मर जाएंगे कुछ दिन बाद। योशीमित्सु डॉक्टर बी से सोल्यूशन पूछता है और डॉक्टर बी उसे बताते हैं कि उनको ओग्रे का ब्लड चाहिए होगा जिंदा रहने के लिए। फिर डॉक्टर बी योशीमित्सु की पावर इंक्रीज कर देते हैं अपने उस एक्सपेरिमेंट की मदद से, और योशीमित्सु की पावर इंटू 5 टाइम इंक्रीज हो जाती है और वो एक न्यू रूप में आ जाता है जो बहुत ही पावरफुल रूप था। योशीमित्सु एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है और वो ओग्रे को हरा देता है और उसका ब्लड ले आता है। डॉक्टर बी ओग्रे के ब्लड को अपने ऊपर यूज करने से पहले एक माउस पर यूज करते हैं, बट माउस एक जाइंट माउस में बदल जाता है। फिर डॉक्टर बी ब्लड में एक्सपेरिमेंट करके ब्लड की पावर कम कर देते हैं और अपने ऊपर यूज करते हैं, और साथ में वो एक सूट बनाते हैं और वो उस सूट का नाम देते हैं डॉक्टर बी साइबरनेटिक सूट। फिर वो अपनी पावर से आयरन टैग टूर्नामेंट में फाइट करते हैं। तब उसको ये रियलाइज होता है कि उनकी खुद की बॉडी उनको संभाल नहीं पा रही है। तब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जिन का ब्लड लेंगे, क्योंकि जिन भी एक डीमन था, तो वो जिन का ब्लड लेने के लिए जिन को डिफीट करते हैं और उसका ब्लड ले लेते हैं, और वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर वो और भी पावरफुल बन जाते हैं। फिर वो और पावर की लालच में आकर टैग टूर्नामेंट 2 में फाइट करते हैं। फिर डॉक्टर एक के बाद एक पूरी मिशिमा फैमिली को डिफीट कर देती है, बट वो सिर्फ जिन पाची मिशिमा को डिफीट नहीं कर पाते और उनका ब्लड नहीं ले पाते। फिर वो योशीमित्सु को भेजते हैं ब्राइन को मारने के लिए। योशीमित्सु ब्राइन को नियरली मार देता है, पर डॉक्टर भी ब्राइन को बचा लेते हैं और ब्राइन से डिमांड करते हैं कि वो जिन पाची का ब्लड ले आए, और ब्राइन डॉक्टर बी को मना नहीं कर पाता क्योंकि वो उनके एक डेप्थ में था, क्योंकि डॉक्टर बी ने उनकी जान बचाई थी और ब्राइन इस डेप्थ को पे करना चाहता था, इसलिए वो मना नहीं कर पाया और वो जिन पाची को डिफीट करके उसका ब्लड ले आया। और डॉक्टर बी ने सारे मिशिमा फैमिली के ब्लड को कंबाइन किया और एक बहुत ही पावरफुल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट अपने आप पर भी ट्राई किया और वो एक बहुत ही पावरफुल लिविंग बींग में बदल गए। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर बी की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और डॉक्टर बी टेकन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ऑफकोर्स स्टोरी और भी आगे जाएगी। तो होप करता हूँ आपने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू।